कल मेरे पास एक अननोन पर्सन की कॉल आई, कोई बंदा था। उसने कहा भैया आपके वीडियो देखा है, बताओ कि टर्की PSN अकाउंट कैसे बनाते हो। मैंने कहा चलो बना देंगे वीडियो, लेकिन ये बताओ क्या है फादर टर्की अकाउंट बनाने का? क्या उसमें आपको गेम मिलते हैं चीप? क्या आपको उसमें PS Plus मिलता है चीप? प्राइस देखे हैं उसके? पहली बात तो ये, वहाँ पे कोई भी पेमेंट कार्ड लगता ही नहीं है। क्या लगाओगे? PayTM डेबिट कार्ड? वो तो है ही नहीं, अब ख़त्म हो गया। वो क्या लगाओगे? ओवान लगाओगे? वो भी अब जाने ही वाला है। देख लो, अब मैं यहाँ पे ये सब क्यों बोल रहा हूँ, पहले ये सुनो। कल एक सेल आई है प्लेस्टेशन की, स्प्रिंग सेल, जो कि अप्रैल मई में आती है। और जो सेल है उसमें आपको क्या मिलता है? और सही बता रहा हूँ, बहुत ही घटिया वाहिया सेल आई है टर्की पे। जो चीज़ें पहले सस्ती थीं, अब उनका और भी बुरा हाल हो गया है। उसके प्राइस डबल ट्रिपल हो गए हैं, और वो कई गुना ज़्यादा डबल हैं इंडियन प्राइस से। मैं सही बोल रहा हूँ, अगर आप एक बार इसकी टर्की पे देखोगे ना, जो प्राइस है, आपको नॉस्टैल्जिया आएगा कि भैया क्या से क्या हो गया, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। एक टाइम पे जो हमारे गेम्स थे इतने ज़्यादा सस्ते, मतलब हमने 300-400 रुपये में गेम खरीदे हैं, वो गेम जो कि इंडिया PSN पे 1500-1700 के थे। मतलब अब क्या हो गया, अब वही गेम इंडिया पे थोड़े सस्ते हो गए हैं, लेकिन टर्की पे जो गेम पहले 400-500 का था, अब 2000-2500 का हो गया है। आपके सामने मैं एग्जांपल दूंगा, आप ही देखना, आपके सामने गेम्स आएंगे, आपको समझ जाओगे कि ये क्या हो गया। ये तो छोड़ो, ये तो गेम्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है PS Plus को। प्राइजेस याद होंगे PS Plus टर्की के, जो उसका डिलक्स था वो अराउंड था 1400 रुपीज़ एक साल का सिर्फ, मतलब इतना सस्ता। और अब उसका प्राइस अराउंड 8000 रुपये, मतलब इंडियन PSN ज़्यादा सस्ता है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। मतलब साफ है RIP टू टर्की PSN, यहाँ खेल ख़त्म। या फिर आपको नहीं पता कि आप कैसे गेम्स बाय करोगे इंडियन PSN अकाउंट पे, तो दे रहा हूँ मैं आपको एक ऐसा मेथड जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ऊपर लिंक फ्लैश होगी, जाकर देख लो, जो मैंने बताया आपको वीडियो में वो बहुत ही बेस्ट है, सिंपल है, ईजी है, जाके चेक कर लो। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो प्राइस बढ़े हैं ना टर्की के, ऐसा क्यों बढ़े? मैंने आपको पहले बताया अपनी वीडियो में, तो यहाँ पे मैं अपनी पुरानी वीडियो की एक क्लिप यहाँ पे रिप्ले कर रहा हूँ। आप देखो समझो क्या रीज़न है क्यों इसके प्राइस बढ़े। और जो लोग PS Plus गेम्स बाय करते थे टर्की से, उनका जो बिजनेस था वो ख़राब कैसे हुआ? लोगों की उम्मीदें सस्ता मिल रहा है कैसे टूटी? जो इसके रीजंस हैं बहुत ही सीरियस हैं, बहुत ही शॉकिंग है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो फ्रॉम द मैनेजमेंट बैकग्राउंड, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझोगे कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, क्या हो चलता है इकोनॉमी में। मैं आगे जाने से पहले करें प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब, और मिलेगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, ताकि ज्वाइन कर लो। वहाँ मिलेगी आपको बहुत ही ज़बरदस्त गेमिंग सर्विस, PC रिलेटेड डिस्कशन, प्लेस्टेशन रिलेटेड डिस्कशन, या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इशू हो आपके प्लेस्टेशन का, PC का, या फिर किसी भी गेम की बात करनी हो, जाके ज्वाइन करो। और आपको वहाँ पे गेम्स भी मिल सकते हैं रेंट पे। तो आज मैं ये बात करने वाला हूँ वीडियो में कि यहाँ पे क्यों प्लेस्टेशन ने टर्की रीजन के जो गेम्स थे उनके प्राइस बढ़ा दी, जो AAA गेम थे उनके प्राइस बढ़ चुके हैं, इंडिया के आसपास हो चुके हैं। इंडिया में अब मान लो जो प्राइस था स्पाइडरमैन 2 का 5000 रुपये, अब टर्की में भी कुछ ऐसा ही हाल है। ऐसा क्यों हुआ? दूंगा मैं आपको यहाँ पर उसका सॉलिड प्रूफ दूंगा, हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन, वो चीज़ क्या है और यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है। दूसरे करते हैं, इससे पहले लेकर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, रमन स्टेशन को। तो यहाँ पे पहली बात यहाँ पे निकल के आती है, लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि जो गेम्स हैं ना टर्की रीजन पे बहुत चीप थे, लोगों ने बाय करके दूसरी कंट्री के, चाहे नाइजीरिया के हों, पुर्तगाल के हों, US के हों, UK के हों, इंडिया के हों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोग बाय कर रहे हैं। यहाँ लोगों ने 5-5 साल अपना PS Plus टर्की रीजन से लेके एक्सटेंड कराया है। बात सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे बंद हुआ है, ऐसे प्राइस बढ़े हैं। तो बताऊँ मैं आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है, 1% भी ये चांस नहीं है कि इस वजह से ऐसा हुआ हो प्राइस बढ़े हों। मेरे पास कुछ कमेंट आए, लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारी वीडियो है हटा दो, इससे प्रॉब्लम होगी और प्राइस बढ़ेंगे, और लोग कह रहे हैं ऐसा हुआ, ऐसा सच बिल्कुल नहीं है। इसका रीज़न जो है वो बहुत साफ है, सुनिए रीज़न क्या है। पहला रीज़न रशिया, यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर लास्ट ईयर जब वॉर हुआ था, पता है किसका, वहाँ पे जो भी कंपनी बिजनेस कर रही थी रशिया में, मोस्टली US की थी, उन्होंने अपने बिजनेस बंद कर दिया। फिर जो थे यूजर्स रशिया के, वो शिफ्ट हो गए टर्की रीजन पे। नेक्स्ट रीज़न इन्फ्लेशन, टर्की में इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा, आपको पता है वहाँ पर जो उसकी टर्की की करेंसी है लायरा, गिर चुकी है, बहुत बुरा हाल है वहाँ का,
ऊपर से वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो भी अच्छी नहीं है, ग्रोथ उसकी स्टेबल है लेकिन बहुत कम है। अगर आप समझो इकोनॉमी कम मतलब जॉब भी कम है, वहाँ लोगों की इनकम भी कम ही होगी। लेकिन सोचो यहाँ पे गेम्स कितने महंगे हो चुके हैं और इनकम कम है, प्रॉब्लम तो है। जो लोग टर्की में गेम बाय करते हैं, इनके पास प्ले स्टेशन है, उनका क्या हाल होगा, सोच लो। अब फाइनल रीज़न जो है इसका, सबसे बड़ा रीज़न प्राइस बढ़ने का, वो है एक्सचेंज रेट। अब दूंगा मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एग्जांपल सही समझना क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। दिखाऊंगा मैं कि अगर हम कोई भी गेम बाय करते हैं टर्की रीजन से तो वहाँ पर हमें कितने का पड़ेगा, और साथ में उस गेम बाय करने से कन्वर्ट करके डॉलर में सोनी उससे कितना पैसा कमाएगा, और अब कितना कमा रहा है प्राइस बढ़ने के बाद, और पहले कितना कमा रहा था, देखते हैं हमारा इस प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे ये सिर्फ एक एग्जांपल है स्पाइडरमैन 2 का, जिसका प्राइस था लास्ट ईयर वो था 800 TL टर्की पे, और जब आते थे $1 इज़ इक्वल टू 20 TL। करो डिवाइड 800 TL बाय डिवाइड बाय 20 TL, जो इसका प्राइस आएगा वो है $40। मतलब सोनी अगर 800 TL पे ले तो कस्टमर से जो सोनी अपने घर ले जाएगा वो ले जाएगा $40। लेकिन प्राइस बढ़े जैन जुलाई में लास्ट ईयर, और वो हो गया $1 में आने लगे 26 TL, मतलब 6 TL बढ़ गए। फिर अगर करो डिवाइड 800 TL डिवाइड बाई 26 TL तो प्राइस आया $30। मतलब यहाँ पे सोनी को डायरेक्ट नुकसान हुआ कितने का, $10 का। मतलब हो गया ना, लग गई बड़ी चपत। अब यहाँ पे प्राइस बढ़ते हैं, अब प्राइस हो गया 1499 TL, करो डिवाइड 26 TL से इसका आया $57.65। मतलब यहाँ पे हो गया प्रॉफिट, जो लॉस हुआ $10 का पहले वो कवर, प्रॉफिट भी हो गया, मज़े मज़े हो गए, विन विन सिचुएशन। करें मेरा चैनल सब्सक्राइब क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। मेरे चैनल पे व्यू अच्छे आते हैं, वॉच टाइम अच्छा आता है, लेकिन जो सब्सक्राइबर रेट है वो बहुत ही कम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आपको दिखेगा नीचे एक बटन सब्सक्राइब का, उसको दबाओ, जिससे क्या होगा हमारे फ़ायदा होगा, हमें मिलेगा मोटिवेशन और आपको मिलेगा एक बहुत ही अच्छा कंटेंट आगे जाके। यहाँ पे लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो ये है सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लो नीचे जाके, और बराबर में मिलेगी आपको एक घंटी, उसको दबा लो, उससे क्या होगा जब भी मैं डालूंगा अगली वीडियो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। जब आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, वहाँ जाइए उसको ज्वाइन करें। फिर आपको यहाँ मिलने वाली है बहुत ही तगड़ी, बहुत ही बढ़िया गेमिंग सर्विस, क्योंकि बेस्ट है।